सो गाइज आज अब जब इवेंट सेक्शन टैप करेंगे तो वहां पे आपको एक ब्रांड न्यू चैलेंज मिलेगा जो वर्ल्ड फाइनल्स के चैलेंज है। तो आज की इन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बेस को कैसे इजीली 3 स्टार करना है। सो सबसे पहले गाइज कुछ सेकंड्स निकालते हैं अपने लिए और बेस को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हमारे स्क्रीन पे है बेस, ये गाकू का बेस है और अगर आप देखोगे तो टाउन हॉल जो है वो बाहर एक्सपोज है, काफी सारे स्टोरेज से घिरे हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन, मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप इस बेस को ट्रिपल कर सकते हो। सो गाइज स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे, 3 स्नीकी गॉब्लिंस ड्रॉप करेंगे यहाँ पे स्टोरेजेस के लिए। उसी के साथ क्वीन को भी अर्ली ड्रॉप कर देंगे ताकि स्टोरेज जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ब्लिम को डायरेक्टली सेंड करेंगे टाउन हॉल पे क्योंकि कोई खतरा नहीं है ब्लिम को, तो ब्लिम टाउन हॉल निकाल जाएगा। क्वीन जो है वो बहुत अर्ली से स्टोरेजेस को क्लियर करना शुरू कर देगी, इसका मतलब आप टाइम पे भी बहुत अच्छे से चेक चल रहे हो। एंड हमें थोड़ा सा वेट करना है ताकि येटीज जो है एंड येटीमाइट्स मिलकर राइट साइड के जो स्टोरेजेस हैं वो क्लियर कर दे फॉर द क्वीन, ताकि क्वीन जो है वो लेफ्ट को पाथ करे। अब हम लेफ्ट में आ जाते हैं स्टेप नंबर 2, एक मिनियन हम ड्रॉप करेंगे डार्क बैरक पे, एक जायंट और विजर्ड ड्रॉप करेंगे नॉर्मल बैरक पे ताकि ये बैरक जो है वो क्लीन अप हो जाए और क्वीन जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। हीलर्स हम लेट ड्रॉप करेंगे क्योंकि एयर डिफेंस जो है वो हीलर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही यहां पे क्वीन कंपार्टमेंट में एंट्री लेगी आपको अपने सुपर वॉल ब्रेकर्स यूज करना है। एक सुपर वॉल ब्रेकर आ जाएगा स्कैटर कंपार्टमेंट, एक आ जाएगा इन्फर्नो कंपार्टमेंट। सीसी लूर होने का वेट करें और सीसी जैसे पार्शियल लूर हो जाता है आप एक जायंट और अपना फाइनल सुपर वॉल ब्रेकर ड्रॉप करें ताकि इन्फर्नो वाला कंपार्टमेंट, सिंगल इन्फर्नो वाला कंपार्टमेंट ओपन हो जाए। मीनवाइल सीसी लूर हो चुका है और स्टेप नंबर 3 में आपको थोड़ा सा वेट करके हाउंड को आराम से किल करना है। मीनवाइल आप क्या करेंगे, अपना किंग ड्रॉप करेंगे ताकि किंग जो है वो डायरेक्टली सिंगल टारगेट इन्फर्नो टार कंपार्टमेंट में एंट्री ले ले। दो इन्फर्नो टार सिंगल अकेला निकाल लेगा, आप फ्रीज कर दीजिए सिंगल इन्फर्नो टार को। क्वीन बहुत सही चल रही है एंड अब राइट साइड से आप लून्स अपने ड्रैगन्स जो आपके राइडर्स हैं वो ड्रॉप करें, अपना रॉयल चैंपियन ड्रॉप करें एंड फाइनली अपना ग्रैंड वार्डन ड्रॉप करें। अब इस साइड से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगी। बेबी ड्रैगन एंड अपने मिनियंस जो हैं वो भी क्लीनअप के लिए डाल दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। क्वीन को मेक श्योर करें कि वो ना मरे, उनको रे स्पेल और फ्रीज स्पेल की मदद से बचा के रखना है। किंग जो है वो मल्टी कंपार्टमेंट क्लियर करके जाएगा, वार्डन एबिलिटी आ जाएगी ताकि सारे लून्स और ड्रैगन राइडर्स सुरक्षित रहें। एंड गाइज यू कैन सी गाइज कि क्या हमारा अटैक चल रहा है, शानदार अटैक चल रहा है। अभी भी हमारे पास रॉयल चैंपियन एबिलिटी बची है, क्वीन एबिलिटी बची है, बहुत सारे राइडर्स बचे हैं और हमने हेड हंटर्स यहाँ पे सेंड कर दिए हैं ताकि हेड हंटर्स जो है वो एनिमी रॉयल चैंपियन को टेक डाउन कर ले। मीनवाइल यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी फ्री स्पेल्स एंड इनविजिबिलिटी स्पेल्स बची है जो हम यूज कर सकते हैं हीरोज के ऊपर। एनिमी हीरोज की पोजिशनिंग जो है यहाँ पे काफी क्रूशल है, तो आप अपना थोड़ा सा बचा के रखें यहाँ पे ये फ्री स्पेल्स को ताकि आप लेटर साइड पे क्वीन को फ्रीज करके आराम से अपनी क्वीन को बचा सकें और इस बेस को क्लियर कर सकें। सो गाइज ये है स्टेप बाय स्टेप, आप अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे मुझे पता है कि 1-2 चांस आपको लगेंगे क्योंकि इतना आसान नहीं है और आप थोड़ा सा सब्र रखोगे तो आप इजीली इस बेस को क्लियर कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो सारे ट्रूप्स मेरे टॉर्नेडो में आ चुके हैं बट कोई खतरा नहीं, टाइम भी हमारे पास काफी है, 30 सेकंड्स हमारे क्लॉक में बचा हुआ है। क्वीन विद एबिलिटी, एक इनविजिबिलिटी स्पेल हमारे पास बची हुई है, यहाँ पे हमने क्वीन एबिलिटी पॉपअप कर ली ताकि क्लीन अप में कोई दिक्कत ना हो, टाइम का कोई इशू ना हो एंड इसी के चलते हमने इस बेस को क्रश किया विद 1 इनविजिबिलिटी स्पेल स्वैग। गाइज आई होप आपको ये शॉर्ट ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्पफुल लगेगा और इसके मदद से आप ये वाला चैलेंज है वो इजिली कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड इन गेम कुछ भी परचेज करते हो तो प्लीज एंड प्लीज गाइज कोड अड्डा जरूर यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड एज ऑलवेज जय हिंद, बाय।